आप देख रहे हैं रिएक्शन चेक। सलाम नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। एज ऑलवेज वेलकम टू रिएक्शन चेक। अभी फिल्मों के बारे में काफ़ी सारे मैंने ट्रेलर्स के रिव्यू किए और काफ़ी सारे आप लोगों ने रेकमेंड भी किए, और कुछ ट्रेलर्स बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, कुछ ट्रेलर्स में मुझे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड और व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया, यू नो, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स होते हैं। लेकिन आज का जो मैं टॉपिक आप लोगों के लाए हूँ वो एक पाकिस्तानी मूवी है जिसमें अली जफ़र हैं, और पाकिस्तान में जैसे कि आपको पता है काफ़ी सारी फिल्में नहीं बनती, अगर बनती भी हैं तो उनका मयार इतना अच्छा नहीं होता, उनका स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन स्लोली स्लोली हमारे जो स्टार्स हैं वो यू नो तरक्की करते जा रहे हैं। अली जफ़र उनमें से एक हैं, फवाद खान जो हैं इंडिया में काफ़ी सारे मशहूर हैं। लेकिन पर्सनली मैं अली जफ़र का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि अली जफ़र को मैं काफ़ी अरसे से फॉलो करता आ रहा हूँ। उनका एक यू नो कॉमेडी शो आता था, कॉमेडी सीरीज़ आती थी जिस बाय द नेम ऑफ कॉलेज जीन्स, जिसमें वो कुछ एपिसोड्स के लिए वो थे। यू नो इट वॉज़ लाइक एन आर्ट स्कूल, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में वो पढ़े हैं, पेंटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट दिस गाय एंड ऑल द एफर्ट दैट ही इज़ मेकिंग, ही इज़ अ ट्रू सुपर स्टार। उनकी मूवी का एक ट्रेलर है तीफा इन ट्रबल, एंड तीफा इज़ अ वेरी कॉमन पंजाबी नेम इन लाहौर प्रॉबली। सो चलिए देखते हैं इसमें ऐसा है क्या, क्योंकि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग दिस ट्रेलर एंड ऑल्सो द मूवी। हो सकता है ये इतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन सो फार जिसको व्यूज़ मिले हैं उससे जस्टिफाई होता है कि यार ये काफ़ी मूवी में कुछ थोड़ा दम है। चलिए देखते हैं इसमें ऐसा है क्या। Tadpole Films, okay. That's definitely Lahore. Oh, nice. Ye Tifa kaun hai? Oh. क्या ही बात है यार, अली जफ़र की क्या ही बात है। अगर आप अली जफ़र की मूवीज़ देखेंगे तो और उनकी मूवीज़ के ट्रेलर कुछ भी देखेंगे, उनके बाल नहीं ख़राब होते, बस बाल उनके अच्छे रहते हैं, बाकी सारी चीज़ें उनकी ख़राब, कपड़े फट जाते हैं पर बाल स्टाइल है बॉस अली जफ़र का भी। तो मूवी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। आई थिंक इट हैज़ बीन शॉट इन अ वेरी नाइस मैनर, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, द साउंड वॉज रियली गुड, क्योंकि अक्सर अगर आप पाकिस्तानी जो रिसेंटली मूवीज़ आ रही हैं उसमें अगर आप देखें सिनेमाटोग्राफी अगर अच्छी है तो उसमें एक्टिंग ख़राब होती है, अगर एक्टिंग अच्छी है तो उसमें ऑडियो ख़राब होता है। तो टेक्निकली अभी इतनी साउंड नहीं है इंडस्ट्री, बट स्लोली स्लोली दे आर लर्निंग एंड आई होप पीपल कैन कम फ्रॉम इंडिया एक्चुअली। और अनुराग कश्यप की कुछ टीवी कमर्शियल्स हैं जो उन्होंने एक टेलको कंपनी है उनके लिए बनाए थे पाकिस्तान के, सो आई एम प्लानिंग टू डू अ रिएक्शन वीडियो ऑन दैट, बट उसकी बात कहीं और। आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा ट्रेलर, कैसा लगा, आई वुड लव टू नो व्हाट यू गाइस थिंक, एंड इफ यू हैव वॉच एनी पाकिस्तानी मूवीज प्लीज लेट मी नो, एंड देर आर सम गुड पाकिस्तानी मूवी दैट आई एम गोइंग इंट्रोड्यूस टू यू गाइस, आई मीन इट्स अ मस्ट वॉच टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तानीज, ऑल्सो हाउ पाकिस्तानीज आर लिविंग। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी जो फिल्में हैं वो जिस तरह आपकी वहाँ पे नॉन कमर्शियल फिल्म बनती है जो यू नो सोशल इशूज़ को हाईलाइट करती हैं, हमारे यहाँ बहुत कम ऐसा हो रहा है। हमारे ड्रामास पहले करते थे लेकिन वो भी अभी बनना कम हो गए हैं, बहुत सारे जो हमारे टीवी ड्रामास जो नेशनल टीवी पे आते थे वो भी अभी कोई इतने ज़्यादा खास मैसेजेस नहीं देते, लेकिन ऑल द ओल्ड टीवी ड्रामास वो लाइक एक हमारी सोसाइटी की अक्कासी करते थे, आपको दिखाते थे कि यार मुआशरे में हमारे क्या प्रॉब्लम्स है। आई थिंक दैट्स द मेन पर्पस ऑफ ड्रामा, थिएटर, कॉमेडी, म्यूज़िक, इन सब से आप यू नो माशरे की कमियाँ, माशरे की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आप लोगों को तक पहुँचाते हैं थ्रू दीज मीडियम्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रेलर अच्छा लगा होगा, और भी कुछ ट्रेलर्स हैं मेरे चैनल पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे आसपास। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे थोड़ी बहुत गपशप लगाते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि हम कौन सी वीडियोज़ और चैनल को किस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। लाइक ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम टाटा गुड बाय नमस्ते एंड एडियोस।